अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। काफ़ी अरसे बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, और जैसे ही मैंने कश्मीर वाला जो है एक पिक्चर मैंने अपलोड की थी, तो सारे कह रहे थे कि इसका हमें फुल व्लॉग चाहिए। और इसके अलावा जो ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो बनाई थी उसके भी कमेंट्स मैं देख रही थी कि उसमें भी कह रहे थे कि फुल व्लॉग चाहिए। सो आज मैंने सोचा कि अपलोड कर ही लेती हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप्स बनाई हुई थी। सो स्टार्ट करते हैं शॉपिंग से। तो शॉपिंग जो है, मैं शादी पे जा रही थी, बेसिकली एक दिन का था, और शॉपिंग हम लोग सदर आए हुए थे। इसके अलावा जो है शापोश वगैरह में, वहाँ पे मैंने देख। सो बेसिकली मैंने इतने जो है एक्सपेंसिव लेने नहीं थे, क्योंकि एक दिन का इवेंट था और हम लोगों ने जाना था कश्मीर। सो यहाँ पे मैं देख देख के सारे ही वही टिपिकल जो पुराने आज से पता नहीं 5 साल पहले जो ड्रेसेस थे वही थे। सो अभी देखते हैं हम लोग अगर कोई पसंद आता है, और जो पसंद आया था मैं आप लोग को ऑलरेडी जो है वीडियो बता चुकी हूँ, लगा चुकी हूँ, लेकिन उसका डिटेल जो है मैं ड्रेस आपको दिखाती हूँ और बताऊँगी कि कहाँ से मैंने लिया है। और ये देख सकते हैं जी, इसके बाद ऑब्वियसली बात है शॉपिंग कर करके तो बंदा थक जाता है। तो फ्राइज़ ऑल टाइम फेवरेट, हर किसी की फेवरेट होती है। सो यहाँ पे हम फ्राइज़ लिए हैं, और ये जी हसन के लिए शूज़ लिए थे। वैसे बच्चों की चीज़ें ज़्यादा महंगी हैं एज़ कम्पेयर टू बड़े। और ये है जी मेरा फुल ड्रेस, और जब मैंने ले रही थी तो मेरी सिस्टर कह रही थी बहुत प्यारा है, तो मुझे उस टाइम पे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ओवर है। सो मैंने कहा कि फ्रेंड के भाई की शादी है तो उसमें बहुत ज़्यादा ओवर ना लगूँ। सो ये आप देख सकते हैं बहुत लाइट कलर है, और फुल फ्रॉक है लॉन्ग लेंथ। और ये जी आप देख सकते हैं कलियों वाला, और बहुत ही प्यारा। और अभी मैं इसका दुपट्टा आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, इसका जो दुपट्टा है ना, उसने इसको चार चांद लगा दिया ऑरेंज कलर का, और बहुत ज़्यादा एक तो फ्रॉक जो है वो लाइट कलर का है, और ऊपर जी डार्क, और इस तरह का शॉकिंग दुपट्टा बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया है कि कितना प्यारा लग रहा था, एलिगेंट सा लग रहा था। और इसके अलावा इसकी लेंथ जो थी बहुत ज़्यादा थी, तो जो कि कश्मीर जाने के लिए वो सही नहीं थी, तो मैंने जो है नीचे से खुद ही फोल्ड करके मैंने सिलाई लगा ली थी। और वरना इसके जो है पैच नीचे भी लगे हुए थे, ये आप देख सकते हैं। मैंने अभी दूसरी जगह पर हैंग करके आपको दिखा रही हूँ। और इसके अलावा इसके अंदर जो कैन लगी हुई थी, और वो जब मैंने छोटा किया था तो मैंने उसको कट कर दिया था, और बहुत ज़्यादा फ्लफी ना लगे। वैसे तो आई हैव अ लॉट ऑफ ड्रेसेस, लेकिन ये होता है कि लड़कियों को नए ड्रेसेस चाहिए होते हैं, सो मैंने सोचा था कि फ़्रॉक लूँ। सो ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग। और अभी हम लोग जा रहे थे कश्मीर के लिए, निकलने लगे थे। हम लोग उठे थे जी 6 बजे, और जी रेडी होते होते हम लोग 8 बज गए थे। सो 8:30 बजे हम लोग निकले थे। सो हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, फिर इस्लामाबाद में बहुत प्यारा मौसम हुआ है। आप लोग देख सकते हैं अभी हम घर से निकले थे, और माशाल्लाह से मौसम बहुत अच्छा था। आपने एंड तक वीडियो देखनी है, बहुत प्यारे प्यारे से व्यूज़ आएँगे जो कश्मीर के हैं। सो ये ट्रैवल व्लॉग होगा, और इसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा, अगर मैं पूरी जो है वीडियो लगा लेती तो बहुत ज़्यादा टाइम की होगी। सो एंड तक आप लोगों ने वीडियो देखनी है। सो हसन को आप लोग देख सकते हैं, माशाल्लाह से अपनी नानों के पास बैठा हुआ था, और आगे जी इंजॉय कर रहा था। और आजकल इसको जी गियर लगाने का बड़ा शौक हुआ है, गाड़ी में बैठ के जी गियर लगाता है। तो आज बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, और देख सकते हैं आप लोग रोड्स पे इतना ज़्यादा पानी इकट्ठा हुआ हुआ था। और अभी हम लोग जी अपने सफ़र पे रवाना दवाना है, और अभी आपको बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ मिलेंगे, और बहुत अच्छे तो मतलब कश्मीर तो कश्मीर है, जिन्होंने देखा उनको पता है कि क्या उसकी खूबसूरती है। मरी भी अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कश्मीर का मुकाबला वो कर सकता है। सो अभी जो है हम लोग कहूटा वाले रास्ते से जा रहे थे, और आगे जो है कहूटा का बाज़ार आएगा। सो मैंने जो है छोटी छोटी क्लिप्स बनाई थी ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर लूं कि कैसा कश्मीर का रास्ता है, और क्योंकि हर किसी ने तो नहीं देखा होता। यहाँ पे आके
से ही बारिश जो थी वो रुक गई थी, और आगे जो कहूटा मैं बाज़ार मेन बाज़ार जो आएगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। बारिश यहाँ पे भी हुई थी लेकिन उस टाइम पे नहीं हो रही थी, पिंडी इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा हुई थी रात से। ये आप लोग देख सकते हैं क्योंकि सुबह का टाइम था, सारी शॉप्स जो हैं वो बंद हैं, और हम लोग जो गए थे वर्किंग डे में गए थे। बेसिकली एक ही दिन का ट्रिप था। और ये आप लोग देख सकते हैं कहूटा के ये जो घर हैं ये बहुत प्यारे। और अभी जो आगे मेन सिटी है वो भी आपको दिखाती हूँ क्योंकि हम लोग कहूटा अभी पहुँच चुके थे। आप लोग हालत देख सकते हैं, तैयार हो के इतना लंबा आप ट्रैवल करो तो बहुत ही मुश्किल होता है। अभी जी आगे ये वो रास्ता आता जा रहा है और बहुत ज़्यादा रास्ता ख़राब हो गया था कहूटा से। जैसे ही हमने आगे क्रॉस किया था तो रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। उसकी भी आगे आपको क्लिप्स दिखाऊंगे। और यहाँ पे सारा आप गाड़ी का हाल देख सकते हैं, सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, हसन की चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो है हम लोग लेज कुरकुरे वगैरह वो खा रहे थे। अभी मेन मार्केट से हम लोग काफ़ी आगे आ चुके थे। और ये आप चेक कर सकते हैं प्यारे प्यारा व्यू, माशाल्लाह से बहुत प्यारा। और बारिश के बाद तो जो व्यू हो जाता है वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मोस्ट फेवरेट 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 प्लेस जो कि कहूटा में ही आता है, और मुझे पता नहीं क्यों बचपन से लेके जब भी हम लोग इस रास्ते पे सफ़र कर रहे होते हैं वैसे हमेशा मोस्टली इसी रास्ते से हम लोग आते हैं। और ये जो मतलब जगह है ना ये मेरी फेवरेट है। ये सारा ओवरऑल जो आता है ना व्यू बहुत ही मज़े का कमाल का व्यू है। और जी यहाँ पे आप देख सकते हैं हसन सो के उठा था, और ये हसन का फर्स्ट कश्मीर का ट्रिप था। माशाल्लाह माशाल्लाह अभी ये थोड़ा सा सो के उठा हुआ है और कन्फ्यूज़ होकर देख रहे हैं जी मैं जा किधर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर बाद आप इसको देखेंगे। माशाल्लाह से बहुत ये खुश हुआ था और बहुत एक्टिव हो गया था। और ये आप देख सकते हैं जी फॉग नज़र आना शुरू हो गई है। काफ़ी अरसे से मुझे ना पता नहीं क्यों फॉग देखने का इतना शौक चढ़ा हुआ था। और ये देखें माशाल्लाह से बहुत बहुत प्यारा। और अभी जो आगे आएगा वो आएगा पाक पत्तन, और मैं वो भी दिखाती हूँ आपको। और यहाँ पे रास्ता बहुत ख़राब था इसलिए जो कैमरा है वो थोड़ा सा वीडियो जो है वो सही नहीं बन रही थी। और ये आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ही प्यारा जो व्यू है ना वो सामने वो आपको नज़र आ रहा होगा फॉग का। जी हम लोग आ चुके हैं दरिया झेलम ब्रे झेलम जो है उसके किनारे। और अभी ये आगे पाक पत्तन का जो पुल है वो आएगा। और ये आप लोग रास्ता देख सकते हो बड़ा डेंजरस है। और वैसे जो कहते हैं कश्मीर जन्नत है नो डाउट, बहुत ही प्यारा है। पता नहीं क्यों मतलब मैं तो हूँ ही कश्मीरी लेकिन जब भी जाती हूँ पता नहीं क्यों एक तो जो रास्ता है वो बहुत प्यारा है बहुत ज़्यादा। और ये आप लोग देख सकते हैं ये थोड़ा सा मैंने जूम इन किया है ताकि आप लोग देख सकें कितना प्यारा जो है उस साइड पे फोक थी। और अभी हम आगे जाएंगे और वहाँ पे भी जो है वो फोक होगी। और यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन हो रही है जो चाइना वाले कर रहे हैं। और यहाँ पे माशाल्लाह से हसन को देखें हम लोग 1.5 साल पहले आए थे और उस टाइम रास्ता बहुत अच्छा था लेकिन इस टाइम इस दफ़ा जो है रास्ता इतना ख़राब हुआ हुआ था बिकॉज़ ऑफ लैंड स्लाइडिंग और जो बारिश होती है उसकी वजह से पानी जो है जमा हो जाता है रोड्स पे जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो लोग कश्मीर जिन्होंने नहीं देखा हुआ वो देख सकें कैसा वो होता है। शादी की जो वीडियो है वो नेक्स्ट व्लॉग में आएगी। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।